के भजन के पश्चात अभी हम भगवद गीता से चर्चा करते हैं। भगवद गीता, पिछली बार हमने भगवद गीता का 18 अध्याय चर्चा कर रहे थे। 18 अध्याय कंप्लीट हो गया था, तो अभी 17वां अध्याय, क्योंकि हम भगवद गीता को पीछे से शुरू किए, तो अभी से 17वां अध्याय शुरू करते हैं। 17वां अध्याय अध्याय अच्छा, अध्याय 17 श्रीमद् भगवद गीता। 17 अध्याय से पहले 16 अध्याय का आखिरी श्लोक चर्चा करेंगे। 16 अध्याय था, उसका आखिरी श्लोक था। भगवान ने बताया था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, धीरे धीरे ऊपर उठ सके। विधि विधानों को जानना है, समझना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 16 अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो इसीलिए 17वां अध्याय जब शुरू हुआ, तो 17वां अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने एक प्रश्न प्रश्न पूछा। 16 अध्याय का जो आखिरी श्लोक था उसी से संबंधित प्रश्न था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, अर्जुन उवाच, ये शास्त्रमिति उत्सृज्य वर्तते कामकारतः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो भगवान ने बोला था कि जो शास्त्रों के अनुसार काम करते थे, इसके बारे में बताया था। इस श्लोक में क्या बताया था कि मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार समझे क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है और उस तरह कर्म करना है। तो अर्जुन ने पूछना कि ठीक है, जो करेंगे वो तो अच्छा है, लेकिन जो शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अपनी कल्पना के अनुसार। उनकी क्या स्थिति है? कौन से गुण में? सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में? शास्त्र के नियमों का पालन शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा किस तरह कर रहे हैं? अपनी कल्पना के अनुसार। इस तरह देखा, कुछ कहीं कहीं देखा आपने कि भगवान की पूजा तो हो रही है, या पूजा हो रही है भगवान की, या किसी की भी पूजा हो रही है, लोग कुछ पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार रहेंगे, अपने मन के अनुसार। उनको लग रहा है कि शायद ये करने से आध्यात्मिकता होगी, ये पूजा है, अपनी कल्पना के अनुसार वो पूजा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं। कोई ऐसा उदाहरण आपने देखा हो या कहीं प्रचलन दिख रहा हो कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार उन्होंने कुछ मंदिर बना लिया है, कुछ भगवान बना लिए हैं और कुछ कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम इस तरह पूजा कर रहे हैं। इस तरह कभी कभी लोग तो हर किसी की मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर देते हैं। शास्त्र में बताया ही नहीं गया है कि ये भगवान है, लेकिन लोग उनको भगवान बना देते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उनके मंदिर बना देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इस तरह कलयुग में बहुत सारे इस तरह लोग मिल जाएंगे, इस तरह बहुत सारे बाबा लोग होंगे जिनकी लोग पूजा करना शुरू कर दिए। शास्त्र में उनका कहीं नाम नहीं है, शास्त्र में उनका नाम ही नहीं है कि ये शास्त्र के अनुसार ये कोई है। हम भगवान की पूजा शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, मंदिर है, भगवान राम कृष्ण शिव जी या अलग देवी देवताओं के जो भी है, शास्त्रों में कहीं कहीं उनका नाम है। लेकिन आजकल ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके कोई भगवान है, लेकिन या कोई किसी बाबा को ही उन्होंने
भगवान बना दिया है और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। क्या उनकी स्थिति क्या है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी, या पूजा में कुछ इस तरह कार्य करते हैं जो शास्त्रों की पद्धति के अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा से वो पद्धति है। उन्होंने सोचा कि ये करने से भगवान की पूजा होगी। तात्पर्य, चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। 16वां अध्याय इसका नाम था असुरिक और देवी गुण। उससे पता चला था कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहे वो असुर है, जो पालन कर रहे हैं वो देवता है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मान लो कोई व्यक्ति कुछ नियम बना लिया, उसने बोला कि नहीं, हम 3 दिन एकदम निर्जला व्रत करेंगे, 3 दिन निर्जला व्रत करेंगे। इस तरह उसने एक बहुत कठोर तपस्या किया, व्रत किया, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसे कोई शास्त्रों में उल्लेखित कार्य नहीं है, उसने बस अपने नियम बना लिए कि ठीक है, हम नए साल के उपलक्ष्य में 1 तारीख को निर्जला व्रत रखेंगे, 1 जनवरी को हम निर्जला व्रत रखेंगे। ऐसा किसी ने किया, कोई फायदा होगा उसको? नया साल के दिन चलो किसी ने सोचा कि चलो आज नया साल शुरू हो रहा है, मैं पूरा निर्जला करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। अगर ऐसा किसी ने किया उसको कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, यस, कुछ फायदा नहीं होगा। उसने हो सकता है कि बहुत ऑस्टेरिटी करी, तपस्या करी, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन ये नियम उसने कहाँ से बनाया? उसने अपनी कल्पना से नियम बनाया है, वो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन इस तरह करता तो उसको फायदा होता, शास्त्र के अनुसार सही तिथि के दिन उसने वो कार्य किया, लेकिन अपने नियम के अनुसार, अपने नियम के अनुसार कार्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन के संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सत्व रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, जो देवी देवता अथवा मनुष्य की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। मतलब जो लोग शास्त्र का कोई आधार नहीं है लेकिन उनकी किसी के ऊपर श्रद्धा है, किसी देवी देवता पे श्रद्धा है, किसी मनुष्य पे श्रद्धा है, और वो कुछ नियम पालन कर रहे हैं, क्या होगा उसका? तो भगवान आंसर कर रहे हैं, श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति ताम शृणु। तो भगवान बोला था श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो इससे पहले हमने 18वें अध्याय में चर्चा किया था 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के बहुत सारे इस तरह यज्ञ, 3 प्रकार की बहुत कुछ, तीनों गुणों में चर्चा किया था। तो यहाँ पे 3 प्रकार की श्रद्धा भी होती है। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित कर लेता है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। तो अलग अलग जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके साथ जो जीव की संगति है, क्योंकि आत्मा अभी कहाँ है, भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में रहने के कारण जीव प्रकृति के संसर्ग में है। वो प्रकृति मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीव प्रकृति के संसर्ग में होने के कारण ये 3 गुण जीव को बांधे हुए हैं। या तो सत्वगुण में काम करेगा, रजोगुण में करेगा, तमोगुण में करेगा।
तो उसकी मनोवृत्ति उसी प्रकार है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो ये उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। तो जब तक वो अपने मन से करेगा तीन गुणों में, लेकिन किसी प्रमाणिक गुरु की संगति करेगा और शास्त्र के विधि विधानों का पालन करेगा तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। जो उसकी कंडीशनिंग है, उसके गुण है, बदल सकता है। वो रजोगुण से सतोगुण में आ जाएगा, तमोगुण से रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण से। इस तरह प्रकृति बदल सकती है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने प्रचार किया इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, तो शुरू शुरू में रजोगुण तमोगुण वाले लोगों को ही ये भागवत गीता का संदेश दिया था। लेकिन ये प्रमाणिक गुरु की संगति में और शास्त्र के विधि विधानों से जब उन्होंने सारे कार्य किए तो उनकी मनोवृत्ति बदल गई। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना चाहिए। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। उसके जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके कारण उसकी एक स्पेशल फेथ बनता है। जिस तरह वो फेथ है जिसमें 50% सत्वगुण है, 30% रजोगुण है, 20% तमोगुण है, इस तरह उसकी एक स्पेशल फेथ बनती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष प्रकार से श्रद्धा से युक्त कर, तो जिस तरह उसका गुण है ऐसी उसकी श्रद्धा होती है। ये पढ़ के हम एंड कर देंगे आज का श्लोक। प्रत्युक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, राजस अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तो अस्तित्व मात्र भौतिक कहलाते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनावृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनावृत में स्थित हो तो उसकी उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के तीनों गुणों के साथ बह जाता है। तो अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण भावनावृत का पालन नहीं कर रहा है, तो वो तीन गुणों के साथ बहेगा। लेकिन कोई भक्ति कर रहा है तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ के कार्य कर सकता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक श्रद्धा बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। तो जो तीन हो रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो एक होता है सत्वगुण, और सत्वगुण से ऊपर होता है शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण मतलब जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, 0%। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित होता है
उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुणी में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुणी में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये अभी थोड़ा सा 3 श्लोक हमने पढ़े आज 17 अध्याय के, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। कल से थोड़ा भगवान थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि सत्वगुण की श्रद्धा क्या है, रजोगुण की श्रद्धा क्या है, तमोगुण की श्रद्धा क्या है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला क्या करता है, तमोगुण वाला क्या करता है। तो ये हम कंटिन्यू पढ़ेंगे कल से। हरे कृष्ण।